वोट किसको देंगे अपना? वोट नवाज शरीफ को देंगे। उसकी वजह? वजह ये है कि पाकिस्तान में जो पहले हालात है, चाहे सियासत जो भी चल रही है हमारे मुल्क में, लेकिन उसके दौर में खान पीन गरीब आदमी भी जो था वो खुशी से खा रहा था, हर लोग अपने सही तरीके से चल रहे थे। बस ये इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था, या इनकी काबीना जो थी या जो भी था, इन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसकी वजह वो सब जानते हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये था तो कारोबार तो सही चल रहा था, सारे लोग आराम से बैठ के खा रहे थे, गरीब आदमी भी खा रहा था, सारे ठीक ठाक खाते भी थे। बाकी और हमने सियासत से क्या भाई लेना, ठीक है। क्या मजीद लोगों से भी जानते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देंगे इस बार? उसी को देंगे जिसको आपने बैन किया। वजह क्या? वजह ये है कि बाकी सबको देख लिया, ठीक है, उन्हें भी देख लिया था, और बात होती है प्रिंसिपल स्टैंड की, और प्रिंसिपल स्टैंड इस टाइम उनका ही बेहतर लग रहा है। तो अच्छा, क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपके इस हलके से अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार ही नहीं फाइनल हुए, और उनकी जानिब से कोई कैंपेन ही नहीं शुरू की, और आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देना है? हुए नहीं है या होने नहीं दिए गए, पहले तो ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, और जब होंगे तो तब हम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने उम्मीदवार के हिसाब से देना या पार्टी के हिसाब से देना। अगर यहाँ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार नहीं होते तो फिर आप किसको वोट देंगे अपना? बेसिकली मेरा इस हलके में तो वोट ही नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे फिर देखेंगे। हम मजीद लोगों से भी जानते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वोट किसको देंगे। मजीद लोगों से भी और मजीद भाइयों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वोट सामने को वोट किसको देंगे आप? नून लीग को। वजह? इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि जो वो बना रहे थे ना निज़ाम, क्योंकि हमने तो देखा सारा, अगर वो बन जाता ना तो निज़ाम